हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मोर्टन मैरिड कपल व्हाट नॉट लवर्स के एपिसोड नंबर 18 को। तो यार, जैसे कि हम पिछले चैप्टर से देखते आ रहे हैं कि जीरो एंड अकारी के बीच स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, और जीरो तो अकारी की इंटेंशन के बारे में कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, लेकिन अकारी जो कि जीरो को काफी पसंद करने लगी है। तो यार, हम चैप्टर स्टार्टिंग में देखते हैं कि अकारी जो कि कह रही होती है कि मैं बाहर खेलने के लिए जा रही हूँ, तो जीरो कहता है कि ज्यादा लेट मत करना। तो अकारी कहती है, क्या तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो? तो जीरो कहता है कि नहीं, अगर तुम लेट आओगी तो तुम मुझे फिर से उठा दोगी। तो वातानाबे कहती है कि साची एंड नासुमी मेरे साथ मिलकर आएंगे, तो तुम इसके बारे में परेशान मत हो। वो तभी जाते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे गर्ल की तरह थोड़ा ट्रीट नहीं कर सकते हो? और ये बात सुनकर जीरो को न जाने क्या हो जाता है, वो एकदम से वातानाबे के करीब चला जाता है और वो वातानाबे की तरफ देखने लगता है। वो तभी कुछ सोचते हुए कहता है कि नहीं, वो कहता है कि माफ करना, मैं कुछ कहना चाहता था, मैं भूल गया। तो वातानाबे कहती है कि ठीक है, मैं वापस आऊंगी। तभी वातानाबे भी वहां से चली जाती है, और यहाँ पर जीरो भी थोड़ा हैरान होते हुए सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उस दिन के बाद से हम दोनों के बीच कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ा जिस तरह हम दोनों के बीच होता था। वो यहाँ पर सोचने लगता है कि अकारी जिस तरह से मुझे देखती थी पहले, वो वैसा नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो मुझे अभी अवॉइड कर रही है, लेकिन कुछ तो अलग है। वो सोचता है कि ये जो पॉइंट बढ़ रहे हैं, ये तभी बढ़ता है जब हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अभी ये है कि हम पॉइंट लूज कर रहे हैं, और हमारे बीच तो अभी भी फाइट के ओवर फाइट हो ही रहे हैं। अकारी भी मिनामी के साथ जोड़ी नहीं बना पाएगी अगर हम हमारी पॉइंट आगे नहीं बढ़ाएंगे तो। फिर भी वो ये समझ के आखिर ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि जीरो जो कि अपने स्कूल में होता है, वो बैठे बैठे यहाँ पर सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और वो अपने हाथ में कुछ ब्राउजर भी पकड़ के रखा होता है। जब वो पीछे पलटता है तो तभी वो अपने आगे उसका दोस्त साधारो को देखता है। तो जीरो पूछता है कि क्या हुआ, तुम अभी तक वापस नहीं गए हो? तो साधारो तभी जीरो से पूछने लगता है कि जीरो, तुम पीछे रह रहे हो, क्या तुम्हारा आज कुछ स्नैक पार्टी है क्या? वो तभी अपने हाथ में कुछ मिठाई दिखाने लगता है जो कि मरीन चान के लिए होता है, और जीरो से भी वो बाकी से बात करने के बाद वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं जीरो जो कि अपने सीट में बैठ के सोच रहा होता है कि क्या मुझे घर जाने के वक्त अकारी के लिए कुछ स्नैक लेके जानी चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर वो डाइट में होगी तो। जब वो ये सब के बारे में सोच ही रहा होता है तो हम देखते हैं कि वहां पर नासुमी आ जाती है। वो यहां पर जीरो के पास काफी एक्साइटेड होकर जाने लगती है। वो तभी वही जीरो की ब्राउजर की तरफ देखते हैं, वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ, हम अभी ये सब फोल्ड कर रहे थे। हम देखते हैं कि जीरो जो कि नासुमी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं जिन लोगों को पहचानता भी हूँ, मैं उन लोगों से भी सही से बात नहीं कर पाता हूँ, मैं इंटरेक्शन बनाने में सबसे बुरा हूँ। नासुमी भाई ब्राउचर की तरफ देखते हुए कहती है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल जल्दी आ रहे हैं ना, मैं होप करती हूँ कि मैं पिंक टीम में रहूंगी। तभी नासुमी जीरो से कहने लगती है, क्या तुम्हें पता है हम लोग चीयर लीडिंग करने वाले हैं, अकारी भी ये करने वाली है। और ये बात सुनकर जीरो कहता है कि ओ ऐसी बात है। तभी जीरो भी वहां पर थोड़ा घबराते हुए नासुमी से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ क्या? हम देखते हैं कि नासुमी जो कि जीरो की बात सुन रही होती है, तभी वो काफी एक्साइट होते जीरो से कहने लगते हैं कि क्या वो क्यूट नहीं थी? अकारी जो कि वो मेड आउटफिट में क्यूट थी ना, वो पूछने लगते हैं कि वो कितनी ज्यादा क्यूट थी। और यहाँ पर जीरो जो कि ये बात सुनके तो एकदम से हैरानी होता है, और ये बात सुनके जीरो तभी कहता है कि तुम उसे ये सब के बारे में एनकरेज मत करो, इस सब से बस मुझे स्ट्रेस ही बढ़ता है। तभी ये बात सुनके नासुमी कहती है कि तुम उसके हस्बैंड हो क्यों नहीं, और वो ये जरूर चाहेगी कि तुम उसे क्यूट कहो, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत भी है। तभी नासुमी जीरो से कहती है कि तुम अभी भी लड़कियों को समझ नहीं पाते हो क्यों, है ना? तो जीरो कहता है कि हाँ, अगर तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो तो वो अभी भी मुझे टीच कर रही है, लेकिन इससे उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो तो मिनामी को टीच करनी चाहिए क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस में मिनामी को ही चाहती है, लेकिन ये सारी चीज मेरे साथ करने में आखिर क्या पॉइंट है? तभी ये सारी बात सुनकर नासुमी कहती है कि तो तुम ये सारी चीज अभी भी समझ नहीं पाए। और यहाँ पर जीरो जो कि हैरान होकर सोचने लगता है क्या कौन सी चीज। तभी नासुमी जीरो से कहने लगती है कि क्या वातानाबे ने उसके बीच और मिनामी के बीच क्या है इसके बारे में नहीं कहा? क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो दोनों अभी और कोई चीज में भी इन्वॉल्व नहीं है? उन दोनों ने क्या बात किया है, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया है? हम देखते हैं कि जीरो जो कि हैरान होकर सोच रहा होता है कि उन्होंने क्या बात की है। वो सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि अकारी के पास इतनी तो हिम्मत है कि वो अपनी फीलिंग के बारे में मिनामी के साथ बात कर सकती है। तभी वो अचानक नासुमी से पूछने लगता है कि क्या तुम ये कह रही हो कि उसने मिनामी को कन्फेस कर दिया है, क्या वो इसी के बारे में उससे बात की थी? और यहाँ पर नासुमी तो कुछ नहीं बताती, वो कहने लगती है कि माफ करना, मैं ब्राउजर थोड़ा अलग तरह से फोल्ड कर दिया, क्या तुम इसको ठीक करने में मेरी मदद कर सकते हो? इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि जीरो जो कि चल के घर की ओर जा रहा होता है। वो जो कि अकारी के बारे में सोच रहा होता है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या अकारी एंड मिनामी के बीच अब कुछ नहीं है, क्या बस इतनी बात है? लेकिन अकारी इसके बारे में इतना शांत क्यों है, वो इसके बारे में मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? वो यहाँ पर खुद से कहता है कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए वेस्ट करेंगे, और अब हम दोनों इतने दूर आगे भी आ गए हैं। समर ब्रेक के बाद से न जाने क्यों अकारी कोई भी बात मुझसे शेयर नहीं कर रही है। वो यहाँ पर याद करता है कि जब वो अकारी से उसने कहा था कि दो हफ्ते के बाद ये हो सकता है कि वो शायद अपनी पेयर चेंज कर दे, जब वो अकारी को इसके बारे में कहा था तो वो आखिर कैसे महसूस की होगी। वो यहाँ पर खुद से कहता है कि
क्या मैं सच में भरोसा करने का लायक हूँ। जीरोजू की ये सब के बारे में सोचते हुए अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जीरोजू के अपने घर में पहुंच चुका होता है। हम देखते हैं कि जीरोजू किसी के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पर वातानाबे जो कि काफी एक्साइट होते हैं वो कहती है कि जीरो वेलकम होम। वातानाबे तभी जीरो की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम आज खुश नहीं दिख रहे हो। वो कहती है यहाँ और मेरे साइड में बैठो, आखिर तुम्हें क्या परेशानी है मुझे तो बताओ। हम देखते हैं कि जीरोजू की वातानाबे के साइड में आके बैठ जाता है। तभी वातानाबे जीरो के करीब जाते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ जीरो, आज तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। हम देखते हैं कि जीरोजू की वातानाबे की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि क्यों, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, वो हमेशा दूसरों के बारे में पहले क्यों सोचती है। हम देखते हैं जीरोजू की सबके बारे में सोचते हुए वातानाबे के कंधे के ऊपर अपना सर रखता है और यहाँ पर वातानाबे जो कि पूछने लगते हैं क्या हुआ, आखिर क्या मैटर है, तुम आज थोड़ा बियर्ड बिहेव कर रहे हो। हम देखते हैं जीरोजू की वातानाबे को हक करता है, इसी के वजह से वो पॉइंट मशीन से आवाज आने लगती है। वातानाबे भी यहाँ पर कहने लगते हैं प्लीज रुक जाओ, क्या हुआ। हम देखते हैं कि जीरोजू की एटलास्ट वातानाबे को हक कर लेता है। वो जो कि यहाँ पर सोचने लगता है कि बस ये प्रैक्टिकल है। वातानाबे बस यहाँ पर जीरो को पूछ रही होती है कि आखिर क्या मैटर है। हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से हक कर लेते हैं। यार ये सीन काफी औसम है। जीरो तभी अकारी से कहता है कि अकारी क्या तुम बस अभी के लिए मेरी हो सकती हो, बस इस पल के लिए क्या तुम मेरी बन पाओगी। और हम देखते हैं अकारी जो कि जीरो से पास उनकी काफी इमोशनल हो जाती है और वो शायद यहाँ पर रोने भी लगती है। और यार यहाँ पर चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो यार मुझे कमेंट में जरा बताना कि क्या तुम्हें लगता है कि जीरो के पास भी अकारी के लिए कोई इमोशन होगा, क्या वो अकारी के लिए लव फील करता होगा या फिर नहीं। तुम्हें ये चैप्टर से क्या लगता है जरा बताना। तो